मेरे भगवान रखिए, मेरे प्यारे बहनों भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सके। आज की सबसे प्यारी हदीस से पहले छोटी सी एक मेरी गुजारिश है कि अगर आप अपना मसला हल करवाना चाहते हैं या आपको किसी भी किस्म की परेशानी है, दुख है, तकलीफ़ है, तो आप हमारे चैनल पर आकर बात कर सकते हैं। अगर कोई जादू का मसला है या कोई और जैसे घरेलू परेशानी होती है, रिश्तों की परेशानी होती है और जैसे बाहर जाने की परेशानी होती है, तो आप ज़रूर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इसी के साथ आज का सबसे प्यारा वसीफ़ा जो है आपको बताने से पहले अहदीस सुनते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शैतान को जन्नत से निकाला जा रहा था तो उसने रब से कहा, मैं तेरे बंदे को इस वक्त तक गुमराह करता रहूँगा जब तक इनके जिस्म में रूह रहेगी। इस पर अल्लाह ने फरमाया, मैं अपने बंदों को इस वक्त तक बख्शता रहूँगा जब तक वो मुझसे इस्तग़फार करते रहेंगे। तो सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि आप इस्तग़फार का विर्द करते रहें, अपने रब को याद करते रहें। वो बदबख्त हैं वो लोग जहाँ पर इतनी नेमतें, इतनी रहमतें, अल्लाह का इतना प्यारा प्यारा कलाम अल्लाह पाक ने अता किया, लेकिन फिर भी उससे मुंह मोड़े हुए हैं और अल्लाह के कलाम को फैलाते नहीं, अल्लाह के कलाम को लोगों तक नहीं पहुँचाते। खुद भी पढ़ें और लोगों तक भी पहुँचाएँ। मैं जितनी भी वसाइफ आपको सेंड करती हूँ उनमें प्यारी प्यारी अहदीसें होती हैं, तो आप लोगों तक अहदीस को पहुँचा सकते हैं। इससे एक फ़ायदा होगा, उनको अहदीस सुनने का मौका भी मिलेगा और साथ में आप, जैसा कि आप बहुत प्यारी प्यारी मैं आपको बातें भी समझाती हूँ, वो भी इनको अल्हम्दुलिल्लाह सुनने को मिलेंगी और साथ में उनकी मुश्किल भी आसान हो जाएगी। आज जो मैं आपको वजीफ़ा बताने लगी हूँ, बहुत प्यारा वजीफ़ा है, सोने से पहले भी इसको कर सकते हैं, सुबह उठने से पहले भी। आपकी कैसी भी ख्वाहिश है, हर किस्म की दिली ख्वाहिश को, दिली मुराद को पूरा करने के लिए ये वजीफ़ा आज मैं आपको बताने लगी हूँ। इंशाल्लाह आपकी मर्जी के मुताबिक पूरी ज़िंदगी आपकी गुजरेगी और कैसी भी हाजत है, परेशानी है, कारोबारी परेशानी है, रिश्तों की बंदिश है या रिस्क की प्रॉब्लम है, कोई भी मसला है, इवन कोई भी परेशानी है, तो ये वजीफ़ा जरूर करें। हर जायज हाजात के लिए ये वजीफा आप लाजिम करें तो इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपका हर मसला हल हो जाएगा। आप ये वजीफा फजर के टाइम भी कर सकते हैं और मगरिब, इशा और तहज्जुद के टाइम करें तो क्या ही बात है। तो जो वजीफा है फजर के टाइम या मगरिब के टाइम, आपने 60 मरतबा, सिर्फ 60 मरतबा दुरूशी पढ़ के अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह से कहें कि जो भी आपकी परेशानी है, कोई आपकी चीज़ गुम गई है, रूठ गए हैं, कोई अपने प्यारे नाराज़ हैं, या किसी बहना की भाई की शादी नहीं होती, या कोई कारोबारी मसला है, तो आप ये वजीफ़ा करें। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको वाजिया फ़र्क महसूस होगा, आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। इवन किसी को बीमारी है या कोई तकलीफ़ है, दुख है, तो ये वजीफ़ा ज़रूर करें। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मुराद पाएंगे और इंशाल्लाह आपकी जितनी भी तकलीफ़ परेशानी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए हम इस्तखारा करें या आपसे मतलब कि कोई भी आपकी इवन परेशानी है, दुख है, तकलीफ़ है, उसकी आपकी मुश्किल में आपका साथ दें, तो अपनी इस बहन को याद करें। माएँ हैं तो अपनी इस बेटी को अपनी मुश्किल बता सकते हैं, बहनें हैं तो अपनी बहन समझ के अपनी मुश्किल बता सकती हैं। कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें। हमने फेसबुक का भी अब सिस्टम चला दिया है, वहाँ पर भी हमसे बात कर सकते हैं, ईमेल के जरिए भी बात कर सकते हैं। हर तरफ से आपकी मदद की जाएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।